चलो बच्चों, तो आज हम लोग SS में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेस। देखो, इस चैप्टर में कल हमने ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में समझा था ना, कि जिसके अंदर हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में समझ रहे थे और देख रहे थे कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कि पिछले 100 सालों में अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। बरबर ना, लास्ट 2011 में जब सेंसस हुआ था, तब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन वो 121 करोड़ थी। अब 2021 में जब सेंसस होगा, पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, तब पता नहीं कितनी होगी और न जाने कितनी और बढ़ जाएगी। बरबर, ये टॉपिक्स हमने देखे थे। अब उसके आगे का नया टॉपिक हमें देखना है, जो टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन सा टॉपिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स क्या? इसका मतलब ये कहते हैं कि कोई भी जगह पर स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया में, एक स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया में एवरेज कितने लोग रहते हैं, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। एक स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया में एवरेज कितने लोग रहते हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी हर एरिया वाइज, हर जगह वाइज अलग अलग होती है। जैसे आप लोगों को ये ध्यान होगा कि हमारे गुजरात में ही सूरत, अहमदाबाद जैसे शहर हैं, कि जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, आप जैसे रहते हो, जहाँ पर भी आप रहते हो भाई, वहाँ पे आसपास के एरिया में देख लिया करो कि विद इन 1 किलोमीटर कितने लोग एवरेजली रहते हैं, विद इन 1 किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो उसमें अप्रोक्सीमेट अगर देखोगे ना, तो भी 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग रहते होंगे 1 किलोमीटर जितने एरिया में। 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग, बरबर ना, आई थिंक उससे भी ज़्यादा हो। और वही अगर हमारे गुजरात में ही कच्छ साइड चले जाओ, सौराष्ट्र कच्छ की तरफ चले जाओ, तो वहाँ पे अगर देखोगे ना, तो वहाँ पे 1 किलोमीटर जितने एरिया में इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे। बरबर, वहाँ पॉपुलेशन कम है, इसकी वजह से कहते हैं वहाँ पे डेंसिटी कम है। एक और डेंसिटी का आपको एग्जाम्पल दूँ ना, ये पहले भी समझाया था, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि प्रॉपर क्लियर करना। डेंसिटी किसे कहते हैं? कि डेंसिटी उसे कहते हैं कि सपोज आप एक रूम में बैठे हुए हो, एक रूम है बड़ा सा, चलो कि उस रूम में जो है वो 5 स्टूडेंट या 5 लोग बैठे हुए हैं। तो इतना बड़ा रूम है, 5 लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे बैठेंगे आराम से ना? हर एक को बहुत सारी जगह मिलेगी, और खाली रूम है, एकदम खाली रूम, भाई नीचे आराम से बैठना है, तो सबको बहुत सारी जगह मिलेगी ना, भले 5 लोग हैं फिर भी। बरबर, वही रूम में अगर 5 की जगह 50 को बिठा दूँ तो सबको कितनी कितनी जगह मिलेगी? आप जो रूम में स्टडी करते हो, उसी रूम का एग्जाम्पल आप खुद माइंड में क्लियर करो कि आप जो रूम में बैठे हुए हो, उस रूम में 5 लोग बैठे हैं, तो क्या हालत होगी, सबको कितनी कितनी जगह मिलेगी? और वहीं पे अगर 50 लोग बैठ जाएं, तो रूम में सबको कितनी कितनी जगह मिलेगी, एक अंदाजा लगा सकते हो ना? इसे कहते हैं डेंसिटी, इसे कहते हैं डेंस पॉपुलेशन। डेंस मतलब गीचता कहते हैं, कि भाई सब जो है वो एक साथ, जहां पर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो साथ में डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। बरबर ना, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेंसिटी भी तो बढ़ेगी ना, कि 1 किलोमीटर जितने एरिया में पहले जहां पर 5 लोग रहते थे, तो अब वहां पे 50 लोग रह रहे हैं, ऐसा हालत हो चुकी है ना। बरबर ना, अगर पॉपुलेशन के वाइज देखें ना, पॉपुलेशन वाइज हमारे गुजरात में देखें ना, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अहमदाबाद में है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अहमदाबाद की है, कुछ अप्रोक्सीमेट 72 लाख जितनी है, और सूरत की पॉपुलेशन 60 लाख के आसपास है। बरबर, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से देखें ना, तो डेंसिटी में सूरत आगे है, सूरत की डेंसिटी अहमदाबाद से ज़्यादा है, क्योंकि अहमदाबाद में भले पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अहमदाबाद जो है वो सिटी भी बड़ा है, एरिया भी बड़ा है, तो अगर ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो पॉपुलेशन भले ज़्यादा है, वो फैल जाती है ना, एक एरिया में वो डेंसिटी इतनी नहीं रहेगी। बरबर ना, आपके रूम में 5 की जगह भले 50 को बिठा दिया, लेकिन अगर रूम बहुत बड़ा हो तो 50 भी आराम से बैठ जाएंगे, डेंसिटी लगेगी नहीं। बरबर ना, तो पॉपुलेशन के हिसाब से अहमदाबाद आगे है, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से है ना सूरत आगे है। सूरत का एरिया छोटा है और उस छोटे एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए सूरत की डेंसिटी अगर अप्रोक्सीमेट गिनो ना, तो 1376 है। 1376 मतलब सूरत में 1 किलोमीटर जितने एरिया में अप्रोक्सीमेट 1376 पीपल रहते हैं।
सोचो। और अहमदाबाद में 890, हमसे जो है वो 500 जितने कम। अहमदाबाद में 890 पीपल रहते हैं 1 किलोमीटर जितने एरिया में, और वहाँ पे 1376 है सूरत में। तो है कि नहीं डेंसिटी में कितना बड़ा फर्क है। और ये इतना बड़ा फर्क क्यों आ जाता है, क्यों आज के टाइम में डेंसिटी बढ़ती जाती है हमारे। अब पूरे इंडिया की बात करें, खाली सूरत अहमदाबाद नहीं, तो कितने सारे ऐसे एरिया है ना कि जहाँ पर जो है वो इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। वही कुछ कुछ एरिया ऐसे भी हैं कि जहाँ पर कम लोग रहते हैं। गुजरात में डेंसिटी ज़्यादा है, वही राजस्थान में चले जाओ तो राजस्थान में इतनी भीड़ नहीं रहती, वहाँ पे डेंसिटी कम है, बरबर ना। तो ये कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं भाई, क्यों डेंसिटी कम या ज़्यादा होती है। तो इनमें इफेक्ट करता है क्लाइमेट, वेदर, एनर्जी सोर्सेस, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है। जहाँ पे क्लाइमेट एकदम ठंडा या एकदम गर्म होगा ना, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रह पाते, वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, बरबर ना। एकदम बर्फ़ वाला एरिया हो तो क्या वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, नहीं, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते फिर। या एकदम गर्मी हो, रेगिस्तान जैसा एरिया, तो वहाँ पर भी नहीं रहती भीड़, बरबर ना। जनरली जो है वो ऐसी जगह पर ये पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पर क्लाइमेट भी अच्छा हो। जैसे हमारे गुजरात में सूरत अहमदाबाद जैसे शहर हैं, या पूरे इंडिया में मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, बेंगलोर है, ऐसे शहर हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर क्लाइमेट भी मीडियम रहता है, न एकदम गर्मी न एकदम ठंडी, तो लोगों को रहने में भी आसानी रहती है। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की, एजुकेशन की फैसिलिटी, हेल्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे है, मतलब अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर। वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मतलब लोगों को अच्छी खासी नौकरियाँ मिल जाती हैं, बरबर ना। वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है, तो इन सब की वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, ऐसे शहरों में लोग ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब अगर पॉपुलेशन वाइज देखें ना, तो हमारे पूरे इंडिया में ऐसे 5 स्टेट के जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और फिर ऐसे स्टेट्स के नाम देखें कि जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है, तो उनमें आता है लक्षद्वीप आइलैंड, दीव एंड दमन, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड, सिक्किम, ये सब प्लेसेस हैं कि जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है, बरबर। तो देखो ये पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हमने समझा ना, उनके बाद एक पॉइंट आता है, जो पॉइंट है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। एक पॉइंट है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो सबसे पहले मीनिंग समझे, बर्थ रेट उसे कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया में विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर कितने नए बर्थ होते हैं, मतलब कितने नए जो है वो लोग जन्म लेते हैं, कितने नए बच्चे पैदा होते हैं, बरबर ना। कोई एक एरिया में, कोई एक साल में पर 1000 पर्सन के कंपैरिजन में कितने नए बच्चे पैदा होते हैं, तो उसे बर्थ रेट कहते हैं, बरबर। बर्थ रेट इज इन 1 ईयर पर 100 पर्सन इन अ स्पेसिफिक एरिया, बरबर ना। कि पहले के टाइम से लेकर अभी के टाइम में अगर हम लोग देखें ना, तो पहले जो है वो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब बर्थ रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि पहले के टाइम में कोई भी फैमिली प्लानिंग नहीं करता था, बरबर ना। वहाँ पहले के टाइम में लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, पॉवर्टी ज़्यादा थी, गरीबी ज़्यादा थी, बेरोजगारी ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती थी, ठीक है ना। आज के टाइम में पता है ना कि भाई लोग समझते हैं कि भाई वो जैसे स्लोगन्स आप लोगों ने सुने होंगे कि हम दो हमारे दो, कि भाई घर में जो है वो दो ही चिल्ड्रन होने चाहिए, ऐसा पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में एक ही घर में जो है वो सात सात आठ आठ बच्चे होते थे, है ना, भाई बहन, तो सात सात आठ आठ भाई बहन होते थे, बरबर। तो पहले बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, अब बर्थ रेट कम है, बरबर ना। तो बर्थ रेट मतलब समझ गए ना, कोई भी एक एरिया में 1 साल में पर 1000 पर्सन कितने नए बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बर्थ रेट कहलाते हैं। और डेथ रेट किसे कहते हैं, डेथ रेट वही चीज़ कहलाई कि जिसमें जो है वो कोई भी पर्टिकुलर एरिया में 1 साल के अंदर पर 1000 पर्सन कितने लोगों की डेथ होती है,
पर 1000 पर्सन, 1000 पर्सन के बीच में कितने लोगों की डेथ होती है तो वो क्या कहलाता है, डेथ रेट कहलाता है। बरोबर ना? देखो डेथ रेट पहले के कंपैरिजन में डेथ रेट भी कम हो चुका है। पहले हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, पहले बीमारियां ज्यादा थी, दवाइयां नहीं थी उन बीमारियों की, ये कल भी देखा था ना हमने। और आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी है, पूरी दवाइयां है, बरोबर ना, अच्छी खासी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मिल जाती है, तो इसकी वजह से डेथ रेट कम हो चुका है। तो बर्थ रेट भी कम हुआ, डेथ रेट भी कम हुआ, लेकिन कंपैरिजन अगर करें ना तो डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गया, बर्थ रेट इतना ज्यादा कम हुआ नहीं। और इस डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में ही फिर तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है ना। जैसे हम, आप लोगों को ध्यान है कि अगर बर्थ रेट कम हुआ, सीधी सी बात समझना कि अगर बर्थ रेट कम हुआ और डेथ रेट ज्यादा हुआ तो पॉपुलेशन कम होती जाएगी। सही बात है ना? अगर बर्थ रेट कम हुआ और डेथ रेट ज्यादा हुआ, मतलब लोग पैदा कम हो रहे हैं, मर ज्यादा रहे हैं, तो मतलब पॉपुलेशन कम होती जाएगी ना। लेकिन इसका उल्टा कि अगर बर्थ रेट ज्यादा हुआ और डेथ रेट कम होता गया, अगर बर्थ रेट ज्यादा हुआ और डेथ रेट कम होता गया तो क्या होगा, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी फिर। सही बात है ना? कि बर्थ रेट ज्यादा, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसके सामने डेथ रेट कम है कि मरने वाले कम हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी ना। हमने कल भी एक एवरेज समझा था कि हमारी कंट्री में एवरेजली जो है वो पूरे साल में 1 to 1.25 करोड़, 1 से 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, हर साल इतनी इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सोचो कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे यहाँ पर है। अब पॉपुलेशन के ऊपर ये बर्थ रेट और डेथ रेट इफेक्ट करता है। दूसरी चीज क्या इफेक्ट करती है, तो दूसरी एक चीज इसमें दी गई है, वो चीज इफेक्ट करती है माइग्रेशन। बरोबर? कि माइग्रेशन इफेक्ट करता है पॉपुलेशन के ऊपर। तो माइग्रेशन मींस क्या, तो माइग्रेशन मतलब ये कहलाता है कि जब कोई पर्सन, जब कोई ह्यूमंस पर्सन, वो कोई भी रीजन की वजह से अपनी एक प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पर जाता हो ना, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। व्हेन ह्यूमन पॉपुलेशन चेंज देयर प्लेस ऑफ हैबिटेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज नोन एज माइग्रेशन। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना तो उसे एक तरह का माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन बहुत सारी रीजन से होता है। मेन रीजन माइग्रेशन का होता है कि भाई अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने काम काज के लिए। बरोबर? जनरली माइग्रेशन है ना, ज्यादातर गांव से शहर की तरफ होता है। गांव में रहने वाले लोग, उन्हें गांव में अच्छी तरह से नौकरी नहीं मिलती, काम धंधा नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, गांव छोड़कर शहर की तरफ आने लगते हैं। बरोबर ना? गांव छोड़कर शहर में आते हैं, तो इसी वजह से इसे एक तरह का माइग्रेशन कहते हैं कि जो अपनी नौकरी के लिए गांव छोड़कर शहर आ रहे हैं, तो वो शहर में आकर सब रहने लगेंगे। तो आप खुद सोचो कि गांव की पॉपुलेशन कम होती जाएगी, शहर की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी फिर। सही बात है ना? इसे ही कहते हैं अर्बनाइजेशन, इसे कहते हैं शहर का बढ़ता जाना, कि शहर में लोग बढ़ते जा रहे हैं। या दूसरा कहो तो इसकी वजह से ही पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। बरबर ना? पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसका रीजन भी क्या, यही यही रीजन कहते हैं ना उसके लिए भी। सही बात है ना? इसके अलावा दूसरा कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है? इसके अलावा एजुकेशन के लिए, लोग पढ़ाई के लिए भी, कि चलो गांव में स्कूल नहीं है तो चलो शहर में जाके पढ़ेंगे, तो भी माइग्रेशन होता है। अपने बिजनेस के लिए, अपने कामकाज के लिए माइग्रेशन करते हैं। बरोबर कि नहीं? तो देखो ये एक जैसे माइग्रेशन के बारे में समझा ना, ये भी हमारी पॉपुलेशन पे इफेक्ट करता है कि नहीं करता। सही बात है ना? माइग्रेशन के बाद दूसरा एक पॉइंट आता है पॉपुलेशन रिलेटेड, जो आता है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर मीन्स कहते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनटू वेरियस ग्रुप्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। हमारे इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसे अगर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दो ना, तो उसे एक तरह का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। बरबर? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में अलग अलग ग्रुप तो बहुत सारे तरह से बनते हैं, कि जैसे इन ग्रुप में आते हैं मेल और फीमेल ग्रुप, एज वाइज भी आता है, लिटरेसी के हिसाब से भी आता है कि कौन लिटरेट है कौन इलिटरेट है, ऐसा भी ग्रुप बनता है। रूरल और अर्बन ग्रुप भी बनता है,
रूलर मतलब कहलाता है जो गांव में रहने वाले, और अर्बन मतलब कहलाता है जो शहर में रहने वाले, ये भी एक ग्रुप बनता है। रिलीजन के हिसाब से भी ग्रुप बनता है कि कौन कौन से रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, बरबर ना। लैंग्वेज के हिसाब से ग्रुप बनता है, प्रोफेशन के हिसाब से ग्रुप बनता है, बरबर ना। तो ग्रुप तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें ग्रुप देखना है ना, वो देखना है एज के हिसाब से। एज के हिसाब से हमें ग्रुप देखना है कि एज के हिसाब से जितनी भी पॉपुलेशन है ना, उनको थ्री टाइप में डिवाइड किया जाता है। एज के हिसाब से तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के जिनमें आते हैं 0 to 14 ईयर्स के जो है वो चिल्ड्रन, बरबर। ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में 0 to 14 ईयर्स के पीपल्स आते हैं या चिल्ड्रन आते हैं। दूसरा आता है ग्रुप ऑफ एडल्ट, ग्रुप ऑफ एडल्ट मतलब यंग पीपल के, जिसमें 15 to 59 ईयर्स के यंग पीपल आते हैं। ग्रुप ऑफ एडल्ट 15 to 59 ईयर्स। और दूसरा आता है ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन के जिसमें 59 ईयर्स से अबव, 59 या 60 ईयर्स से अबव, 60 साल के ऊपर के बच्चे जिसमें आते हो, ऊपर के लोग जिसमें आते हो, तो वो सब सीनियर सिटीजन में आते हैं, बरोबर ना। तो एज के हिसाब से ये तीन ग्रुप बनते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो ग्रुप ऑफ एडल्ट की है, 15 to 59 ईयर्स हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग पीपल हैं, बरोबर। और बाकी के लोग जो है वो बहुत कम हैं। मतलब अगर चिल्ड्रन की परसेंटेज देखें तो वो पूरे पॉपुलेशन में 3 to 4% खाली चिल्ड्रन है, जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं ना, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में, तो पूरी पॉपुलेशन के 3 to 4% खाली वो इसमें है, चिल्ड्रन में आते हैं। और ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन देखें ना, तो पूरी पॉपुलेशन के 7% सिर्फ सीनियर सिटीजन में आते हैं, 7%। तो 7 और 3 10% हुए जो चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन मिलाकर, बाकी 90% पॉपुलेशन हमारे इंडिया की वो एडल्ट पॉपुलेशन है, बरोबर। मतलब यंग पीपल जो 15 to 59 ईयर्स के बीच में आते हैं, बरोबर। और यही जो हमारे चैप्टर का नाम बनता है, हमारे चैप्टर का नाम बनता है यहाँ पर के ह्यूमन रिसोर्सेस। तो हमारे इंडिया का रियल रिसोर्स यही है, रियल ह्यूमन रिसोर्स यही है हमारे यंग पीपल। कि अगर हमारे यंग पीपल अच्छी तरह से जोश के साथ काम करते हैं ना हमारे इंडिया के लिए, तो वही हमारे इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। सही बात है ना ये? आप लोग भी जो है वो अभी 15 ईयर्स से ऊपर के होने वाले हो, तो इसकी वजह से आप भी अब इस यंग पीपल में आते हो कि हमारे देश के लिए, हमारे जो है वो इंडिया के लिए अगर कुछ करना है ना, तो वो हम लोगों के हाथ में है, आपके हमारे हाथ में है कि हमें कुछ हमारे देश के लिए करना है, बरोबर कि नहीं? सही बात है ना। अब ये जैसे पॉइंट देखा, तो उसके बाद का पॉइंट आता है, नेक्स्ट एक पॉइंट है, वो है सेक्स रेशियो, या कहो मेल एंड फीमेल नंबर्स। कि अगर हमारे इंडिया में पॉपुलेशन की जब काउंटिंग होती है ना, तो उसमें अगर ये सेक्स रेशियो काउंट करें, मतलब कि मेल और फीमेल नंबर्स काउंट करें ना, तो हमारी इंडिया में मेल के कंपैरिजन में फीमेल की नंबर्स कम है, बरबर ना। मेल के कंपैरिजन में फीमेल के नंबर कैसे हैं, तो कम है। यहाँ पूरी इंडिया में पर 1000 मेल के ऊपर 940 फीमेल्स हैं, पर 1000, 1000 मेल के सामने 940 फीमेल्स हैं, मतलब कि भाई 60 फीमेल्स कम हैं। तो इसका मतलब ये बताया जाता है कि हमारे इंडिया में फीमेल्स की नंबर्स कम है। और क्यों कम है, क्यों कम है? तो इसका रीज़न वो प्रेजेंट टाइम नहीं, इसका रीज़न हमारे इंडिया का पास्ट टाइम है, हमारे इंडिया की हिस्ट्री, हमारे इंडिया की जो है वो पीछे की बात है। पता है पहले के टाइम में जो है वो फीमेल्स को, वुमेन्स को बिल्कुल भी जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। पहले के टाइम में वो सती प्रथा जैसे रिवाज थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब कि भाई वो कहते हैं ना कि भाई जब कोई लड़की घर में पैदा होती तो उसको पैदा होते ही मार देते थे, ऐसे बहुत सारे रिवाज थे। तो जिसकी वजह से जो है वो पहले से ही हमारे यहाँ पर गर्ल्स की पॉपुलेशन या तो फीमेल की पॉपुलेशन कम होती गई और मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा। और ये जो है वो बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है, बरबर ना। हमारे गुजरात में, हमारे पूरे गुजरात की अगर बात करें, तो गुजरात में भी जो है वो मेल के कंपैरिजन में फीमेल 918 है,
पर 1000 मेल के सामने फीमेल्स कितनी है? 918। सोचो कितना बड़ा फर्क है। पूरी इंडिया में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट है, सिर्फ एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ की पॉपुलेशन मेल के कंपैरिजन में फीमेल की ज़्यादा है, वहाँ पर फीमेल ज़्यादा हैं। एक ही ऐसा स्टेट है, वो स्टेट है केरला। बरोबर ना? केरला ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर मेल के कंपैरिजन में फीमेल ज़्यादा है, वहाँ पे फीमेल्स का रेशियो 1084 है। मतलब कि पर 1000 मेल के सामने 1084 फीमेल्स हैं। बरोबर? तो देखो ये वो केरला, और केरला क्यों पता है इस वजह क्यों भाई वहाँ पर ये फीमेल रेशियो ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी है। केरला में एजुकेशन बहुत अच्छी है और इसकी वजह से वहाँ पर मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स ज़्यादा हैं। बरोबर? अरे बात समझ में। और अगर हमारे गुजरात में जो है वो फीमेल्स के नंबर्स कम हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे पता है ना, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे स्लोगन्स आप लोग लिखते हो, ऐसे प्रोग्राम के बारे में आप लोग सुनते हो। तो उनका रीज़न यही है कि यहाँ पर मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स के नंबर भी बढ़ें और उन्हें भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी कि दूसरे को दी जाती है। बरोबर? अब जैसे ये इनके बारे में पढ़ा, अब दूसरा पॉइंट आते हैं। अलग अलग पॉइंट दिए हो ना टेक्स्ट बुक में, अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिटरेसी का पॉइंट। लिटरेसी, तो लिटरेसी मीन्स क्या? लिटरेसी मीन्स कहलाता है कि भाई एजुकेशन, समझो कि भाई कितने लोग हमारे इंडिया में पढ़े लिखे हैं, तो वो लिटरेसी कहलाती है। अब पढ़े लिखे का मतलब क्या? कि जिन्होंने 10th 12th की एग्ज़ाम पास की हो, या जिन्होंने जो है वो कॉलेज की एग्ज़ाम पास की हो, तो वो पढ़ा लिखा कहलाता है, ऐसा वो लिटरेट कहलाता है, ऐसा हुआ? नहीं। गवर्नमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन, इंडिया में रहने वाला कोई भी पर्सन जिसकी एज 6 ईयर से ज़्यादा हो, 6 साल से ऊपर हो, और जिसे कम से कम एक भाषा, कोई भी एक भाषा, भले उसे उसकी अपनी भाषा, कोई भी एक भाषा उसे पढ़ना लिखना और समझना आती हो। बरोबर ना? पढ़ना लिखना और बोलना या समझना आती हो, तो वो पर्सन लिटरेट पर्सन कहलाता है। बरोबर ना? तो वो पर्सन अनपढ़ नहीं कहलाएगा, वो पढ़ा लिखा कहलाएगा। भले वो स्कूल में न गया हो, लेकिन फिर भी कम से कम एक भाषा भी उसे पढ़ना लिखना और बोलना आती हो ना, तो वो पर्सन लिटरेट कहलाता है। बरोबर? तो इनके हिसाब से अगर देखें ना, तो हमारे इंडिया में लिटरेसी अगर देखें, तो वो लिटरेसी पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। आपको पता है आज़ादी से पहले, मतलब 1901 में, आज़ादी से भी 50 साल पहले की बात है, जब ब्रिटिशर्स का टाइमिंग था, तो ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में हमारे यहाँ पे लिटरेसी कितनी थी पता है? सिर्फ 5%। कितनी लिटरेसी थी? 5%। सोचो, मतलब पूरी इंडिया में सिर्फ 5% लोग पढ़े लिखे थे, बाकी किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। कोई एक लैंग्वेज भी उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आती थी। सिर्फ 5% लिटरेसी थी आज़ादी से पहले। आज़ादी के वक्त भी 1947 के आसपास, उस वक्त हमारी कंट्री की लिटरेसी वो 16% थी, सिर्फ 16%। बरबर ना? सिर्फ 16% लोगों को आज़ादी के वक्त पढ़ना लिखना आता था, जो धीरे 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 इंक्रीज होती गई। और आज 2011 में, जब आखिरी 10 साल पहले जब सेंसस हुआ था, तब उस वक्त काउंट किया गया था कि हमारी इंडिया की लिटरेसी 74% हो गई है। कितनी? 74। देखा, एक टाइमिंग था जब इंडिया में सिर्फ 5% लोग पढ़े लिखे थे, अब कितने हैं? 74% लोग। बरबर ना? तो ये बहुत अच्छी बात कहलाती है कि हमारे इंडिया में लिटरेसी बढ़ती जा रही है। और लिटरेसी के हिसाब से देखो ना, तो पूरी इंडिया में सबसे नंबर वन पे आता है केरला, जो मैंने आपको पहले भी बताया। केरला नंबर वन पे आता है। केरला में 93% लिटरेसी है। 93, मतलब केरला में 93% लोग पढ़े लिखे हैं। कितनी अच्छी बात है। और हमारे गुजरात में 79%। 79% लोग, मतलब अप्रोक्सीमेट 80% के आसपास हमारे गुजरात में पढ़े लिखे हैं लोग। सही बात है ना? तो लिटरेसी के हिसाब से भी तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। और बताएं, ये जो है वो सही बात कहलाती है कि अगर
अगर जो है वो लिटरेसी लोगों की ज्यादा होगी ना, तो वही सोच समझ के काम कर पाएंगे और वही हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करवा पाएंगे, जिनमें लिटरेसी अच्छी होगी तो। जिनमें लिटरेसी ही ना होगी, जो पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, तो वो देश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हेल्प करेंगे, आप खुद ही सोचो। सही बात है ना ये। अगर हमारे गुजरात की बात करें ना, गुजरात के अंदर अगर हम लोग देखें ना, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा लिटरेसी वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो आता है 86%, और उतना ही सिमिलर सूरत में आता है। अहमदाबाद और सूरत ऑलमोस्ट सिमिलर आता है, 86.65% के आसपास। अहमदाबाद और सूरत दोनों में सिमिलर लिटरेसी है, बराबर। तो जैसे हमने लिटरेसी के बारे में समझा, फिर एक दूसरा पॉइंट आता है, जो पॉइंट है प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, तो प्रोफेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें ना, कि प्रोफेशन के हिसाब से अगर हम लोग ग्रुप बनाए, तो उसमें हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, उनको दो पार्ट में, दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक आता है वर्किंग ग्रुप और दूसरा आता है नॉन वर्किंग ग्रुप। प्रोफेशन के हिसाब से एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग ग्रुप। प्रोफेशन मतलब कामकाज कहलाया, कामकाज के हिसाब से। वर्किंग ग्रुप मतलब वही कहलाया ना, कि जो लोग काम करते हैं, बरबर ना, जो लोग काम कर रहे हैं वो वर्किंग ग्रुप। और दूसरा आता है नॉन वर्किंग ग्रुप, कि नॉन वर्किंग ग्रुप मतलब कि जो काम नहीं कर रहे, जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन वर्किंग ग्रुप कहलाते हैं, बरबर ना। तो प्रोफेशन के हिसाब से भी हमारे पॉपुलेशन के दो टाइप हो गए ना, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग ग्रुप। ठीक है, ये छोटे से पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो है चेंज इन पॉपुलेशन। दूसरा आता है चेंज इन पॉपुलेशन। देखो, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, आज़ादी से बाद से लेकर अभी तक अगर हम लोग देखें ना, तो हमारी पॉपुलेशन में बहुत चेंज आया है। और कैसा चेंज, तो कहते हैं ये चेंज दो टाइप का है। दो टाइप के चेंजेस हुए हैं हमारे इंडिया में। एक हुआ है क्वांटिटेटिव चेंजेस और एक हुआ है क्वालिटेटिव चेंजेस। जो चेंजेस हुए हैं वो दो टाइप के हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव चेंज वो कहलाता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी, मतलब खाली पॉपुलेशन के नंबर बढ़ते जाएं, तो उसे क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। तो हमारे इंडिया में क्वांटिटेटिव चेंज तो हुआ ही है ना, कितना ज़्यादा चेंज हुआ है क्वांटिटेटिव, कि भाई 100 सालों में 100 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ये क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं कि नहीं, बरबर ना। जहाँ आज़ादी के वक्त सिर्फ जो है वो कुछ 32 करोड़ पॉपुलेशन थी, और आज आज जो है वो 121 या 130 करोड़ के आसपास, अब जब काउंटिंग होगी तब हो जाएगी, बरबर। तो इसे क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं, कि यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरा चेंज आता है, वो आता है क्वालिटेटिव चेंज, कि भाई क्वालिटी, खाली पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, खाली लोग ही नहीं बढ़े हैं, लेकिन उनमें अच्छी क्वालिटी भी आई है, बरबर ना। सिर्फ लोग नहीं बढ़े, उसमें अच्छी खासी क्वालिटी भी आई है, तो उसे क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं हम लोग, बरबर। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब ऐसे समझो, क्या क्वालिटी में चेंज आया है, तो लोगों की थिंकिंग में चेंज आया है, लोगों की सोच में जो है वो चेंजेस आया है, लोगों का नेचर बदला है। पहले के लोग अंधविश्वास में मानते थे, सुपरस्टिशंस में मानते थे, गलत रिवाज में मानते थे, अब वो नहीं मानते। तो बताओ, ये क्वालिटेटिव चेंज कहलाया कि नहीं, बरबर ना। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में फ़र्क आया है। पहले लोग जो गांव में रहने वाले लोग, अब नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न स्टाइल से लोग रहते हैं, ये क्वालिटी बदली ना लोगों की। दूसरा, लोगों की वर्किंग स्टाइल में फ़र्क आया है। पहले जो लोग समझो हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे, अब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, बरबर ना। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, अब स्मार्ट वर्क भी करते हैं, मतलब मेहनत के साथ साथ अच्छी सोच भी रखते हैं, डेडिकेशन से वर्क करते हैं। अब लोगों में नेशनल फीलिंग अच्छी है, अपनी देशभक्ति, देश के लिए कुछ करना, ये फीलिंग उसमें अच्छी है। लोगों में एंथुजियाज्म है, मतलब जोश है, ब्रेवरी है लोगों में। तो ये सब अच्छी क्वालिटी भी तो लोगों में आई ना, तो जिसे क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं हम लोग, बरबर ना। जो पॉपुलेशन में चेंजेस हुआ है ना इतने सालों में, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, तो वो एक क्वांटिटेटिव चेंज और एक क्वालिटेटिव चेंज आया है, बरोबर। अरे बात समझ में।
और दूसरा एक पॉइंट आता है कि भाई जो हमारी पॉपुलेशन को दूसरा कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो दूसरे डिवाइड के लिए अलग अलग ग्रुप हैं कि हमारी पॉपुलेशन को, मैंने पहले भी बताया, अलग अलग तरह से पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, कि जिसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रिलीजियस ग्रुप। दूसरा पॉपुलेशन को अलग करना हो तो रिलीजन के हिसाब से, तो हमारी इंडिया है ना वो सेक्युलर स्टेट है। पता है इंडिया कैसी कंट्री है? सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब ये कहलाता है कि हमारे इंडिया में हर रिलीजन को एक्सेप्ट किया जाता है, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। पता है पाकिस्तान ऐसा देश है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रिलीजन चलता है, एक ही रिलीजन। तो हमारे इंडिया में ऐसा है कि जहाँ पर एक ही रिलीजन अलाउ किया जाता हो? नहीं, यहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वालिटी दी जाती है। इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म, या तो सेक्युलर स्टेट कहते हैं हमारी कंट्री को। हमारे यहाँ पर हर तरह के जो है वो लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, ज़्यादातर हिंदू पीपल इंडिया में हैं, इनके अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ऐसे कितने सारे रिलीजन के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, बरोबर ना। दूसरा आता है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के हिसाब से, कि लैंग्वेज के हिसाब से भी हमारे यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बनते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग। इंडिया में एवरेजली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, मतलब हमारे कानून में लिखे हुए हैं ना, ऐसी 22 लैंग्वेजेस तो कानून में समझो रजिस्टर्ड हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड हैं, बरबर ना। 22 लैंग्वेज के लोग तो यहाँ पर रहते ही हैं मेन, बरबर। और इनके अलावा अगर देखो ना, तो लैंग्वेज वाइज है ना, हमारे इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इतनी सारी विविधताएं देखने को मिलती है, कि हर एरिया में, हर शहर में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर होते हैं कि नहीं, कोई भी शहर में जाओ वहाँ की लैंग्वेज दूसरों के कंपैरिजन में अलग ही होगी, सही बात कि नहीं। 22 लैंग्वेजेस तो हमारे इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, और बाकी नेचुरली तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बरबर। जिसमें से हिंदी, वो हिंदी हमारी मेन लैंग्वेज मानी जाती है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा मतलब कि नेशनल लैंग्वेज वो हिंदी माना जाता है। और इंग्लिश, इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन लैंग्वेज जो चलती हो तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है, बरबर ना। हमारे इंडिया में कौन कौन सी 22 लैंग्वेजेस हैं, कभी देखना हो ना तो आपका कोई भी करेंसी नोट ले लो, नोट आता है ना 100 का, 200 का, 50 का, 10 का, हर नोट के ऊपर है ना पीछे लिखी गई हुई होती है, सब लैंग्वेजेस लिखी हुई होती है, तो कभी देखना कौन कौन सी 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें, बरोबर। और दूसरा ग्रुप बनता है वो आता है हेल्थ ग्रुप। पॉपुलेशन को दूसरा अगर हम लोग डिवाइड करें तो वो आता है हेल्थ ग्रुप, बरोबर ना। हेल्थ के हिसाब से भी अगर देखें ना, तो हमारे इंडिया में एक समझो नॉर्मल दो ग्रुप हुए, कि एक वो हेल्दी ग्रुप कहलाया, बरोबर ना, एक हेल्दी और दूसरा अनहेल्दी पॉपुलेशन, बरोबर ना। एक पॉपुलेशन ऐसी जो हेल्दी पॉपुलेशन है और दूसरी अनहेल्दी पॉपुलेशन। तो हेल्दी पॉपुलेशन किसे कहते हैं? तो हेल्दी मतलब खाली ये मत सोचना कि भाई जैसे कोई बीमारी नहीं है, एकदम दिखने में फिट है तो मतलब वो हेल्दी है, ऐसा नहीं। हेल्दी मतलब वो कहलाता है कि जो इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड स्पिरिचुअली हर चीज में आगे हो ना, तो वो पर्सन हेल्दी कहलाता है। कि जो हर चीज में ठीक हो, फिजिकली भी मतलब बॉडी भी ठीक है, कोई तरह की बीमारी नहीं है, मेंटली मेंटली वो हमेशा खुश रहता हो, मन में कोई टेंशन या जो है वो प्रेशर लेके ना घूमता हो, सोशली जो आसपास की सोसाइटी के साथ मिलजुल के हंसी खुशी रहता हो, ऐसे नहीं सबके साथ वो झगड़ा करता रहता हो, बरबर ना। सोशली मतलब जो सबके साथ मिलजुल के रहता हो। इकोनॉमिकली कि जो अपना घर बार अच्छी तरह से चला पाता हो, घर में ज्यादा पैसे भले ही ना हो लेकिन जो है वो घर में 2 या 3 वक्त का खाना वो पूरी तरह से ला पाता हो, तो वो इकोनॉमिकली। एंड स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली मतलब कि जो गॉड के साथ मतलब भगवान के साथ कनेक्ट होने का वो ट्राई करता हो, बरबर। तो जो हर चीज में ठीक हो ना, तो वो पर्सन हेल्दी पर्सन कहलाता है। खाली दिखने में फिट हो लेकिन हमेशा लोगों से झगड़ा करता रहता हो, हमेशा टेंशन लेकर रहता हो, प्रेशर में घूमता रहता हो, तो वो पर्सन हेल्दी पर्सन नहीं कहलाया।
बरबर ना। और एक हेल्दी पर्सन होता है ना जो सब चीज़ों में ठीक हो, तो वही हेल्दी पर्सन सही तरह से हमारे देश को आगे बढ़ा पाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में पॉपुलेशन रिलेटेड सभी चीज़ें देखी, और जो है वो हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में भी पहले समझा था कि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और पता है इसके लिए अब आखिरी में जो हम पॉइंट देख रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है। पॉलिसीज़ मतलब अलग अलग अब रूल्स बना रही है, अलग अलग कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। क्योंकि अब पॉपुलेशन के हिसाब से पता है हमारा सेकेंड नंबर आता है, कल हमने पढ़ा था ना, पॉपुलेशन के हिसाब से ही इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है और सेकेंड नंबर पे इंडिया की है। लेकिन अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही ना, तो वो दिन देर नहीं लगेगी कि जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो चाइना से भी आगे हो जाएगी। और इस चीज़ में अगर हम चाइना से आगे चले गए ना, तो वो अच्छी बात नहीं है कि हम तो आगे आ गए उससे, ये फिर अच्छी बात नहीं होगी, ये बहुत ही बुरी बात कहलाए कि अगर हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना से आगे चले गए तो। और इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी रूल्स बनाती है, लोगों को समझाती है, बरबर ना, कि भाई इस पॉपुलेशन अगर बढ़ती रही तो जिसकी वजह से कितना सारा नुकसान हो सकता है, बरबर ना। ऐसी अलग अलग रूल्स, अलग अलग जो है वो कोशिश करती रहती है, और इन सब में हमें भी ध्यान देना है। हमें भी जो है वो ये कोशिश करते रहनी है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, और जितनी पॉपुलेशन रहे ना, वो जो है एक हेल्दी पॉपुलेशन रहे जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करती रहे हमेशा। बरबर, समझ आई बात। तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, अब वैसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स, आगे के पॉइंट्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।